छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी 55 से 60 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा करती आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे ज्योतिष अपने ज्ञान के जरिए ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत की ऊंट किस करवट बैठेगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता पंडित पीएस त्रिपाठी। बिना देर के हम शुरुआत करते हैं अपने इस खास आयोजन की, बुलंद किसके सितारे, जीत किसके द्वारे। आइए शुरुआत करते हैं उस प्रश्न से जिस प्रश्न से इस चुनाव की शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं पंडित पीएस त्रिपाठी साहब के पास ही जाऊंगा। त्रिपाठी साहब, ये 2023 है, 2023-24 की भूमिका लिखेगा राजनीतिक तौर के ऊपर हम कह रहे हैं, लेकिन 23 का नतीजा होगा किसकी तरह, 18 की तरह चौंकाने वाला या उससे भी कहीं अलग, जो आपने हमने विचार ना किया, सितारे क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राजा राजा बनने की कोशिश करते हैं, मगर असल में राजाओं का निर्माण धरती करती है, प्रजा करती है अपने राजाओं का निर्माण। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ का राजा कौन होगा, ये छत्तीसगढ़ की जनता चुनेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम छत्तीसगढ़ की जन्मपत्री को बहुत अच्छे से देखें। 1 नवंबर 2000 को जन्मा ये छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से असंतुष्ट होकर के, यहाँ के विकास से असंतुष्ट होकर के इन्होंने अपना एक मैंडेट लिया और एक निर्णय सरकार ने लिया कि हम अलग हो रहे हैं, और वहाँ से लेकर आज तारीख तक हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी विकास हुआ है। और अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की धरा ने ही नेता तैयार किए हैं। अब छत्तीसगढ़ की धरा ने अगर नेता तैयार किए तो छत्तीसगढ़ की खुद की प्रतिष्ठा देखनी होगी कि वो राजा के रूप में क्या देखना चाहते हैं, क्या वो अपने वर्तमान समय में सत्ता के परिवर्तन की तरफ हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न आपने 2018 की तरह कहा, तो हम देखते हैं कि जन्म लग्न जो छत्तीसगढ़ का है वो कर्क है, उसकी राशि धनु है। और इस समय हम देखें कि जब 2018 का समय था, उस समय शनि की अंतर्दशा थी, शनि सप्तमेश होकर और अष्टमेश होकर के उस समय 11वें स्थान में थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उस वक्त की तात्कालीन सरकार थी वो बहुत अनपॉपुलर होकर के और सत्ता से दूर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि शनि के साथ छत्तीसगढ़ की धरा ने न्याय किया शनि के माध्यम से, और एक सरकार नहीं रही और दूसरी सरकार आ गई। अब सवाल ये उठता है, क्या छत्तीसगढ़ अभी भी परिवर्तन की राह देख रहा है? जवाब बिल्कुल वही है कि इस जन्मलग्न कर्क राशि धनु है, और अगर इसमें हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की महादशा में केतु का अंतर है। छत्तीसगढ़ एकदम एकदम एक डिफरेंट राजा तय करने वाला है, बेहद इंटेलिजेंट, बहुत सुबर, और मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत फेवरेबल। सवाल ये है कि ये जो परिवर्तन है, क्षमा करेंगे, ये जो परिवर्तन है वो किस किसकी तरफ संकेत करता है? वो संकेत करता है छत्तीसगढ़ की तकदीर की तरफ, मतलब छत्तीसगढ़ एकदम उस नॉन ट्रेडिशनल मूव की तरफ जा रहा है जिसमें बेहद इंटेलिजेंट स्टैंड पब्लिक लेने वाली है। इसलिए ऐसा मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की संभावना बहुत ज़्यादा है।